नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं गौतम एडी वेट ग्रास से और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल शशि एंड गौतम किचन गार्डनर्स पर। पिछले साल हमने एक सेम के पौधे का वीडियो डाला था जो काफ़ी पॉपुलर हुआ था और उसको देखते हुए बहुत से लोगों ने अपने आप में सेम भी लगा ली थी। लेकिन उस वीडियो में मैंने बताया था कि सेम का पौधा जो है आपका गर्म वातावरण में बढ़ता है, मतलब काफ़ी अच्छी इसकी जो बेल है और बुश दो टाइप का होता है, छोटा पौधा बुशी और एक लंबा जो निकलता है बेल की तरफ, दो तरह के पौधे आते हैं, दोनों ही जो है गर्म वातावरण में अच्छा फलते फूलते हैं। लेकिन इनमें फल लगने के लिए जो मौसम है वो ठंडा होना चाहिए। तो ये आपका जो है बारिशों के बाद इसको आप लगाते हैं और जब इसकी पूरी ग्रोथ हो जाती है करीब 2 से 3 महीने के बाद, तो इसमें जब वातावरण ठंडा होता है तो इसमें फल और फूल लगने लगते हैं। तो आप इस बात का वीडियो जब भी देखें, अगले साल देखें, इस साल देखें, ये ध्यान रखिएगा जब आप सेम लगाएं तो इस तरह इसको प्लान करें कि बढ़ते समय से मौसम गर्म हो और जब इसका फल देने का टाइम है तो उससे मौसम ठंडा हो। ये सर्दी और बसंत में आपका जो है फल देता है। इसको लगाने के लिए आप इसमें करीब 18 इंच का गमला ले सकते हैं, उससे छोटे गमले में भी लग जाएगा, बोरी में भी लग जाएगा। पिछले साल इनफैक्ट हमने इसको बोरी में लगाया था, इस साल हमने इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से ग्रो बैग में लगाया है। इसमें खाद डालते वक्त आप ये ध्यान में रखिए कि पौधा जो है अपने 4-5 महीने का पौधा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है कि आप इसमें लगाने के बाद में इसमें खाद को डाल सकें। तो स्टार्टिंग में अच्छी मात्रा में इसको कंपोस्ट डाल दें। एक बार पौधा आपका स्टार्ट हो जाता है, बड़ा होने लगता है, तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट ये पौधा ऐसा है जो आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन को ऐड करता है। इस पौधे में बीमारी न लगे तो उसके लिए आप हमारे यहाँ से एंटी फंगल बायोसाइड जो है उसको मंगा सकते हैं। इसकी रूट की ग्रोथ को अच्छा करने के लिए रूट ग्रोथ प्रोमोटर है, उसको भी मंगा सकते हैं। सॉइल में अच्छे माइक्रोब्स डालने के लिए जो खाद इसके अंदर आप डालें वो अच्छी तरह से पौधों को मिले, उसके लिए सॉइल एनपीके फिक्सर है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेम की दो टाइप जैसे बताए जाते हैं, एक आपका बेल वाला है और एक बुशी टाइप झाड़ीनुमा होता है। तो झाड़ीनुमा में इसमें तो ब्रांचेज ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी खुद ही निकलती हैं, आप बेल में भी देखें तो इसमें काफ़ी अच्छी ब्रांचिंग हो रही है। तो इस पौधे में आपको 3G कटिंग जो बहुत आज की डेट में एक ट्रेंड है, क्रेज़ है, आप हर पौधे में जानना चाहते हैं कि इसमें क्या 3G कटिंग की जा सकती है, तो इसमें 3G कटिंग करने की आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप उसमें देखना ऑलरेडी ब्रांचेस काफ़ी आती हैं। इसको इस पौधे का कोई फायदा है कि पौधा जो ऊपर की तरफ जाता है बेल की तरफ, तो उस केस में जैसे आप देख रहे हैं दो बांस लगा के उसके अंदर में रस्सी है, इस प्रकार का कोई भी अरेंजमेंट करके आप उसको उस पर फैला सकते हैं। तो उसमें जो नीचे की जगह है आपकी वो खाली रहेगी, उसमें कोई आप सर्दी का जैसे टाइम है तो कोई मेथी, गाजर, मूली या पालक, इस तरह की चीज़ें आप लगा सकते हैं। तो ये पौधा ऊपर की तरफ चलेगा आपका, इस तरह अरेंजमेंट आप दो बांस के बीच में रस्सियाँ बांध के कर लीजिएगा और नीचे का जो एरिया है आपका खाली रहेगा, तो उसमें आप दूसरे कोई हरे साग वगैरह लगा सकते हैं। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। इस वीडियो में आपने देखा कैसे आप सेम को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो आप अभी भी कर लीजिए, क्योंकि टाइम अभी भी है, आपका मार्च तक ही आपको फल देगा, तो अभी काफ़ी टाइम है इससे फल लेने का। हमने अपनी वेबसाइट पर सर्दी में नॉर्दर्न इंडिया में लगने वाले जो सब्जियाँ हैं, जैसे पालक हो गया, गाजर हो गया, धनिया हो गया, ये सब के बीज जो फ्रेश स्टॉक वाले बीज हमने उपलब्ध कराए हैं। तो जो लोग हमारी वेबसाइट पर रेगुलर हैं विजिट करके उनको खरीद सकते हैं। काफ़ी छोटी पैकिंग होती है, सस्ती पैकिंग होती है, तो आप आराम से उनको ले सकते हैं। उसके अलावा क्वालिटी खाद वगैरह आपको लेनी है या दूसरे आपके बागवानी में काम आने वाले सामान है वो लेना चाहते हैं, उसके लिए भी विजिट करें। जो नए कस्टमर है वो भी एक बार विजिट करके देखें, कोई चीज़ समझ आती है, पसंद आती है, तो वो चीज़ वहाँ से मंगवा के हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतने ही, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मेरा और शशि का आपको नमस्कार।